नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। पीछे मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ जिसमें मैंने शुरू में आपको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया था। एस्ट्रोनॉमी जो एस्ट्रोलॉजी के लिए ज़रूरी होती है, उतना पार्ट सीखना ज़रूरी होता है एस्ट्रोलॉजी करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैनुअल कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं, चाहे वो लग्न निकालना हो, चाहे टाइम निकालना हो, चाहे लोकल मीन टाइम निकालना हो। वैसे तो आजकल कंप्यूटर्स आ गए हैं, सॉफ्टवेयर पर सब कुछ जाता है, लेकिन एक अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को मैनुअली भी लगाना निकालना सीखें, इन सब कैलकुलेशंस को। तो इससे पहले मैं आपको ये एस्ट्रोनॉमी में जो भी चीज़ें हैं बता चुका हूँ, और ये थर्ड लेक्चर है मेरा। मैं यही चाहता हूँ कि जो लोग डायरेक्टली थर्ड लेक्चर पर आ गए हैं वो एक बार लेक्चर 1 और 2 ज़रूर देख लें, तो उनको समझने में बहुत आसानी होगी। और जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि मेरे लिए मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाए। आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जोड़ियक क्या है, जोड़ियक साइंस क्या होते हैं, जोड़ियक जिसे भचक्र भी कहते हैं हिंदी के अंदर, भचक्र बोलते हैं, जोड़ियक क्या है, जोड़ियक साइन क्या है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, उनके करेक्टरिस्टिक क्या हैं, लगन क्या होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, तिथि क्या होती है। देखिए, आगे बढ़ने से पहले जब तक मैं कुंडली पे प्रेडिक्शन पार्ट पे आना शुरू करता हूँ कुंडली पे, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि ये छोटी छोटी वोकैबुलरीज की नॉलेज आपको रहे। तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, कैसे आप ये सब चीज़ें ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात यह है कि मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही डिस्कशन का विषय रहता है हमेशा। आपने सुना होगा कि ग्रह वक्री हो गया, ग्रह वक्री हो गया मीन्स कि ग्रह अपनी डायरेक्शन से उल्टा चलना शुरू हो गया। ऐसा कभी नहीं होता, ग्रह कभी वक्री नहीं होते, वो हमेशा अपनी डायरेक्शन में ही चलते हैं। लेकिन हम लोगों को ऐसा अपेरेंटली एहसास होता है कि जैसे वो रुक गए हैं या जैसे वो विपरीत दिशा में चल रहे हैं पृथ्वी से रिलेटिवली, तो इसको हम ग्रह का वक्री होना बोलते हैं जब जब हमको ये एहसास होता है। तो आइए मैं आपको बताना आरंभ करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक्लिप्टिक क्या होता है। ये एक बहुत ही सिंपल टर्म आप याद रखिए जिसका कि इस्तेमाल जन्म कुंडली में और इन चीज़ों में बहुत होता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जिस मार्ग पे घूमती है वो मार्ग एक्लिप्टिक कहलाता है। ये सूर्य है आपका, यहाँ पृथ्वी है, ये मार्ग इस ये टेढ़ा क्यों है, क्योंकि पृथ्वी आपकी जो है इस तरीके से इस एंगल पे 23.5 एंगल पे झुकी हुई है, जिसकी वजह से ये आपको टेढ़ा लग रहा है। तो ये पृथ्वी जिस मार्ग पे सूर्य के चारों ओर घूमती है वो मार्ग आपका एक्लिप्टिक कहलाता है। लेकिन हम ज्योतिष के अंदर मान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी स्टेशनरी है, और पृथ्वी स्टेशनरी है यानी कि सूर्य घूम रहा है, हम ये लोग मान के चलते हैं कि पृथ्वी स्टेशनरी है हमारी और सूर्य घूम रहा है। तो ये जो एक्लिप्टिक है इसको हम सूर्य का एक्लिप्टिक भी बोल देते हैं, ये जो चीज़ है इसको सन एक्लिप्टिक भी बोल देते हैं। तो ये सन एक्लिप्टिक हो गया आपका। बेसिकली तो ये पृथ्वी के घूमने का मार्ग है, ये ऑर्बिट है जहाँ पृथ्वी घूम रही है। बट चूंकि पृथ्वी को हम स्टेशनरी मानते हैं, हम देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ऊपर देख रहे हैं, तो हमको पृथ्वी के घूमने का एहसास नहीं होता। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये समझते हैं कि सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी अपनी जगह पर स्थित है, तो हम इस मार्ग को, इस रास्ते को, इस पाथ को हम मानते हैं कि ये सन का एक्लिप्टिक है, यानी सन का मार्ग है। तो ये मैंने आपको बताया था एक्लिप्टिक के बारे में, थोड़ा सा ये जरा ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि राशियाँ क्या हैं, जोड़ियक क्या है, वो सब चीज़ें क्या होती हैं। देखिए, सब बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे कि आप ये फिगर को देखिए, ये फिगर कुछ कुछ आपको ऐसे लगता है जैसे कोई रिंग हो, रिंग है, ये फिगर है, ये रिंग बनी हुई है। इस फिगर को देखिए आप, हमने ये माना हुआ है कि सारा ब्रह्मांड इस रिंग के हिसाब से है, कंप्लीट जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस रिंग के हिसाब से है। बीच में है हमारे यहाँ सन है, सूर्य है, उसके चारों तरफ अर्थ घूम रही है, फिर डिफरेंट डिफरेंट ग्रह घूम रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि ये सूर्य हमारा बीच में है, अर्थ है, यहाँ ये अर्थ हो गई, उसके बाद फिर ये मरकरी हो गया, फिर आपका ये वीनस हो गया, फिर आपका, तो इस तरीके से हमारे ये सारे ग्रह हैं डिफरेंस। तो अब ये सॉरी आपका मरकरी है सूर्य के पास में, ये वीनस है,
ये बताना थोड़ा सा गलती से इससे हो गया था, ये वीनस है, ये इधर अर्थ आती है, इधर फिर मार्स आता है, फिर आपका जुपिटर आता है, फिर आपका सैटर्न आता है। तो इस तरीके से ये सारे ग्रह एक साथ घूम रहे हैं पृथ्वी के चारों ओर एक ऑर्बिट के अंदर, और एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स से ये बंधे हुए हैं। ऐसा नहीं कि छिटक के ये दूर जा पड़ते हैं, जिस डायरेक्शन में जिस जगह पे ये घूम रहे हैं उसी जगह पे ये घूमते चले आते हैं। तो इनको ये माना गया है कि ये इतनी डिस्टेंस में, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ही इन ग्रहों का ऑर्बिट है, किसी का ऑर्बिट ये, किसी का ऑर्बिट ये, किसी का ऑर्बिट ये, यानी इतनी डिस्टेंस के अंदर ही ये सारा घूम रहे हैं। ये डिस्टेंस होती है करीब 18 डिग्री, 9 डिग्री ऊपर अप और 9 डिग्री नीचे, यानी इससे अगर दो पार्ट करें तो ये 9 डिग्री यहाँ हो गया और 9 डिग्री इधर हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि ये जितने ग्रह हैं अपने ऑर्बिट्स में इस 18 डिग्री की बेल्ट में ही घूमते रहते हैं। कभी आपस में ये देखने में आपको लग रहा है जैसे बहुत छोटी चीज है, पर ये और हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर्स का गैप होता है, तो इसलिए इसमें आपको ये घूमते हुए नजर आपको इस बेल्ट में ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि ये बेल्ट का हमने एक चित्र दिखाया है, एक इमेजिनरी हमने वो दिखाया है कि जिसके अंदर की ग्रह घूमते हैं। तो ये एक जोडियक कहलाता है, जो पूरा सोलर सिस्टम को हमने कवर किया हुआ है, और सोलर सिस्टम के चारों ओर जो ऑर्बिट्स हैं उन्हें कवर किया हुआ है, ऑर्बिट्स में जो ग्रह घूमते हैं उनको कवर किया हुआ है, तो ये जोडियक कहलाता है। अब इस जोडियक में सोलर सिस्टम तो हमारा ये हो गया, अब इसमें कैसे हम इसके कहाँ सोचें कि हमारा अर्थ है वो इस वक्त कहाँ पर है, या इस वक्त कहाँ पर है अर्थ, क्या सोचें? तो हमने क्या डिसाइड किया, हमने इस सोलर सिस्टम के टोटल मिला के इस जोड़ियक के 12 भाग किए, 12 पार्ट्स किए। इस जोड़ियक के हमने 12 पार्ट्स किए। तो 12 पार्ट्स करने से वो इसलिए किया कि हमको ये मालूम रहे, क्योंकि देखिए जब भी हम कहीं जाते हैं, जैसे ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं, कभी भी हमको किसी पॉइंट पर जाना होता है इधर, तो हम बताते हैं कि भाई एक्स एक्सिस पे आप इतना चलिए, वाई एक्सिस पे आप इतना चलिए, तब आपका ये पॉइंट आता है कि आपको यहाँ जाना है। लेकिन अगर हम सोलर सिस्टम के अंदर, जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है सोलर सिस्टम है, उसमें हम दिखाना चाहते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारा सूर्य कहाँ पर है, तो उसके लिए कहीं पूरे उस ब्रह्मांड को हम लोगों को किसी डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स में डिवाइड करना होगा। तो हमने इस ब्रह्मांड को पूरे इस तरीके से 12 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। उसमें पहला पार्ट जो होता है वो मेष राशि का होता है, सेकेंड पार्ट वृष राशि जिसको बोलते हैं, थर्ड पार्ट मिथुन राशि, चौथा पार्ट कर्क राशि, पांचवा पार्ट सिंह, छठा पार्ट तुला, कन्या, वृश्चिक, सॉरी ये मैं गलत आ गया आपको, इस सिंह के बाद कन्या है, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इस तरीके से हमने ये टोटल मिला के इसके 12 पार्ट्स डिवाइड कर दिए, और उन 12 पार्ट्स को हमने एक नाम दिया। ये अभी ये नाम क्या है, नाम किस बेस पे दिया, ये हमने इसको सिंह क्यों कहा, हमने इसे कर्क क्यों कहा, हमने इसे मेष क्यों कहा, इसे मीन क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो तारों के समूह हैं, इतने हिस्से में जो तारों का समूह है, या इतने हिस्से में जो तारों का समूह है, वो शेर की पूंछ के समान लगता है, तो इसलिए उसको हमने नाम दे दिया सिंह। जहाँ पर तारों का जो ग्रुप था, कंसोलेशंस थे पूरे, उन तारों के ग्रुप को हमने, जिस तरह से तारे के ग्रुप दिखाई देते हैं, जिस तरह की वो इमेज या पिक्चर प्रेजेंट करते हैं, उस पिक्चर के हिसाब से हमने उनको नाम दे दिया। जैसे इधर ये तारों का समूह प्रेजेंट करता है कि ये एक शेर की पूंछ की टाइप का है, यहाँ एक कन्या टाइप का रिप्रेजेंट करता है, तो उसका नाम कन्या दे दिया। यहाँ जो तारों का समूह है उसकी वो दिखाई पड़ता है जैसे कि कोई तराजू लटकी हुई है, उसको तराजू का नाम दे दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ धनुष है, धनुषबान है, घोड़ा है, तो उसका नाम दे दिया। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रुप ऑफ स्टार्स, कि ग्रुप ऑफ स्टार्स बन के वो कैसी इमेज को दिखा रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमारे ये नाम हो गए। इन नामों को, इन 12 पार्ट्स को हम लोगों ने कहा राशि। ये 12 राशियां कहलाती हैं।
यानी आपका ये पूरा सोलर सिस्टम था, सोलर सिस्टम था आपका पूरा 360 डिग्री का, इस 360 डिग्री के आपने 12 पार्ट कर दिए, तो एक राशि का पार्ट आ गया 30 डिग्री, एक राशि आपकी 30 डिग्री हो गई। तो इस तरीके से हम लोग जब बात करते हैं कुंडली के अंदर कि हमारा एक भाव या एक राशि हमारी 30 डिग्री की है, तो वो इस हिसाब से होता है क्योंकि पूरे सोलर सिस्टम के हम लोगों ने 12 डिवाइड भाग डिवाइड किए हुए हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी जो तारे हमारे यहाँ पर हैं वो तारे हम लोगों को किस रूप में दिखाई पड़ते हैं, किस पिक्चर में दिखाई पड़ते हैं, उसके बेस पर हमने 12 भाग कर लिए। ये 12 भाग कहलाते हैं राशियाँ अलग अलग, या इनको इंग्लिश में कहते हैं जोडियक साइंस, जोडियक साइन। तो इन जो जोडियक साइंस हैं, साइन है हमारे, इसके हमारी नंबर्स फिक्स होते हैं। जैसे तो ये एक टिप मैंने इसका आपको दी, और आशा है आपको मेरे लेक्चर से अच्छा लगा होगा, तो मेरे इस प्रयास को जरूर सराहिएगा और कमेंट्स कीजिएगा, जो भी पूछना आपको हो, जो चीज़ समझ में ना आई हो, मैं कमेंट्स में आपको आंसर मैं पूरा दूंगा, कोशिश करूंगा 100% आंसर्स मैं आपको दूं। और साथ ही साथ इसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, वो सिर्फ मेरे हौसला अफजाई के लिए है कि मैं आगे नई नई वीडियोस बनाता रहूं, तो मुझे भी अच्छा लगे कि मैं चीज़ कर रहा हूं। ये मैं गारंटी देता हूं कि जो चीज़ मुझे आती है वो सारी की सारी चीज़ मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं जानता हूं, सिखा दूंगा आपको सारी चीज़, और जो आपसे हैं वो नॉर्मली सीधी सी बात है आपसे भी नॉलेज शेयर करूंगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।